लाइक अदर सीटी एग्जामिनेशन लॉ सीटी 3 and 5 ईयर्स में भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट डाउन होंगे? दिस इज वॉट द वन क्वेश्चन मार्क, बिकॉज रिसेंटली जो एमबीए सीटी का फॉर्म फिलिंग अभी जस्ट फिनिश हुआ है उसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट हाफ हो गया ऑलमोस्ट. लास्ट ईयर इट वॉज 160,000, इस साल 86 के आसपास है. सो सेम चीज वी कैन बी एक्सपेक्ट इन लॉ सीटी 5 ईयर्स एंड लॉ सीटी 3 ईयर्स. अभी ये फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो खत्म होने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि कितने लोगों ने रजिस्टर किया है सो फार. ठीक है, सो वाई दिस नंबर इज डिक्रीजिंग? सबसे पहला रीजन की अनसर्टेनिटी अबाउट द एग्जामिनेशन. सेकेंड, टाइम गैप जो है वो बहुत ही कम मिला हुआ है फॉर्म फिलिंग को लेकर. 10-11 दिन का टाइम मिला है फॉर्म फिलिंग को लेकर. तो ये एक दूसरा मेन रीज़न है जिसकी वजह से नंबर ऑफ एप्लीकेंट डाउन हो गए हैं. अगर फ्यूचर में वापस से विंडो ओपन करते हैं फॉर्म फिलिंग का, सो माइट नंबर ऑफ एप्लीकेंट इंक्रीज, जो कि 2020 में 21 में हुआ था. दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये कि एग्ज़ाम ऑन टाइम होने वाला है, ये एक क्वेश्चन मार्क है. सीईटी ऑन टाइम एग्जाम लेगा, क्या बात कर रहे हो? तो हाँ, इस साल का सीईटी मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट लाइकली यू कैन से हाँ ऑन टाइम लग रहा है, बिकॉज एमबीए सीईटी का सारा प्रोसेस अभी तक इनफ्लो गया हुआ है, प्रॉपरली गया हुआ है. ठीक है, सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम फॉलोइंग द अदर सीईटी ट्रेंड. सो मैं अभी एमबीए सीईटी सबसे पहले एग्जाम होने वाला है तो उसका ट्रेंड फॉलो कर रहा. अगर जो ट्रेंड उसमें फॉलो होगा, अप्लाई होगा, सीईटी ने जो अप्लाई किया उसमें, सेम चीज़ हम अपने लॉ में भी अप्लाई करेंगे, 5 ईयर्स हो चाहे वो 3 ईयर्स का एग्जाम हो. 5 ईयर्स के बच्चों का अगर एग्जाम ऑन टाइम हुआ तो 5 ईयर्स बच्चों के लिए टाइम कम है, क्योंकि अभी 13 मार्च को बोर्ड का एग्जाम खत्म ही हो रहा है, एंड राइट आफ्टर दैट वी हैव लॉन्च द क्रैश कोर्स ऑल्सो. तो फटाफट सिलेबस खत्म करेंगे. हो सकता है लीगल के कुछ सिलेबस आपके हाइब्रिड मोड में हो, तो लुकिंग एट द टाइम लाइन फटाफट सिलेबस कवर करेंगे. तो जितने लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन चालू नहीं किए 5 ईयर्स 3 ईयर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर, बोरीवली दादर वसई थाने एंड ऑनलाइन लाइव क्लास. थाने इज अ न्यू सेंटर, तो जितने लोग वेस्ट सेंटर लाइन में, यू कैन ज्वाइन थाने सेंटर. सो इतने लोगों ने अभी तक 5 ईयर्स का फॉर्म नहीं भरा हुआ है, फॉर्म फिलिंग चालू है, फटाफट पहले तो वो काम कंप्लीट करो. लास्ट डे का वेट बिल्कुल नहीं करना. 3 ईयर्स का भी चालू नहीं हुआ है और 3 ईयर्स का एग्जाम मई में है. April 2 को अपना 5 ईयर्स है, उसके बाद मई में अपना 3 ईयर्स का एग्जाम है. सो 3 ईयर्स को टाइम है, ठीक है, 1 महीने का टाइम गैप मिल रहा है दोनों एग्जाम्स के बीच में. सो सिलेबस हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे और उसके बाद अपने को प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट लिखना है, फुल लेंथ मॉक लिखना है, ये सारे काम अपने को अच्छे से करने हैं. सो जैसे ही 5 ईयर्स का फॉर्म फिलिंग खत्म होगा, आई विल अपडेट यू कितने लोगों ने इस साल रजिस्टर किया हुआ है, सो कॉम्पिटिशन क्या होगा और अपना चांसेस ऑफ सिलेक्शन GLC IELTS मुंबई का क्या रहेगा. ठीक है, बट अभी के लिए फुल फ्लेज में आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यूसली रखो, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 3 ईयर्स लॉ और 5 ईयर्स लॉ. एंड प्रिपरेशन को लेकर के इफ यू आर मुंबई बेस्ड, थाने सेंटर यू कैन विजिट, वसई, बोरीवली एंड दादर क्लासरूम के लिए. बट इफ आर नॉट मुंबई बेस्ड, ऑनलाइन के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो. दिस इज व्हाट द कंप्लीट टीचिंग करिकुलम विच यू विल बी गेटिंग फॉर योर प्रिपरेशन. एजेंडा इज क्लियर, टॉप लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना है और गेटवे सिर्फ और सिर्फ सीटी का स्कोर है. सो 120 प्लस का स्कोर लेके आना है आउट ऑफ 150. एंड जितने लोगों की पढ़ाई हो गई है, प्रिपरेशन हो गई है, सो भाई मॉक लिखना चालू कर दो. 20 मॉक टेस्ट वी हैव लॉन्च दिस ईयर विथ रिगार्ड्स टू एमएच लॉ सीटी. सो menuvideo.com/law entrance पर विजिट कर लो. बुक्स ऑर्डर करना है, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, मॉक टेस्ट, सेक्शनल प्रोग्राम, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ. बट इफ यू हैव जॉइन लाइव क्लास ऑफ द क्लासरूम, देन यू हैव टू डोंट बाय एनीथिंग सेपरेटली. सब चीज़ आप, एवरीथिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री इन योर बैचेस. ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस. शेयर दिस टू ऑल योर फ्रेंड, दोज यू आर टारगेटिंग फॉर CET 2023 एंड वॉन्ट टू एंड अप विद द बेस्ट लॉ कॉलेजेस. ऑल द बेस्ट, थैंक यू.